हाय फ्रेंड्स, माय कंप्यूटर स्किल्स कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं जयपाल सिंह राजपूत, यूनिट नंबर 44 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 6 हम आज मैं आपको एमएस एक्सेल में बताने जा रहा हूँ। आज हम सीखते हैं एमएस एक्सेल शीट पर कार्य करना सीखेंगे, किस प्रकार से एमएस एक्सेल शीट के ऊपर वर्क किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले आप नेक्स्ट वीडियो जो आप इससे पहले वाले वीडियो जो देखेंगे उनमें मैंने कुछ ऐसे फॉर्मूले का आपको यूज़ करने सिखाया है जो हमारे डेली बेसिस पर हम इन पे वर्क करते कार्य करते हैं। अब यहाँ पर मेन्यू बार जितने भी होते हैं मैं उनको एक एक करके आपको सिखाऊंगा कि इन मेन्यू बार से हम किस प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के हम कार्य को यहाँ पर कर हमारे कार्य को आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर शीट प्रैक्टिकल शीट पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारी एक शीट ओपन है ना। इस शीट के अंदर हमें वर्क करना है। अब वर्क कैसे करेंगे, यह देखिए ये जितने भी मेन्यूज बार दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं जिनसे हम यहाँ पर शीट कर अप्लाई कर इनका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है पेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, पेस्ट ऑप्शंस का यूज़ किया क्या किया जाता है, जैसे मैं ये चाह रहा हूँ ये जो शीट है इस शीट की मुझे एक फोटोकॉपी और करना है, यानी कि इसकी मुझे डबल फोटोकॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले शीट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमने शीट को कर लिया सिलेक्ट, सिलेक्ट हो गई। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए ये कॉपी ऑप्शन से दिया हुआ है ये। ठीक है, ये दो पेज टाइप के आपको स्क्रीन के ऊपर मोनो दिखाई देंगे, इमेज दिखाई देंगे, इस पर आप क्लिक करिए या फिर कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी दबाइए तो ये सिस्टम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको कर्सर वहाँ रखना है जहाँ पर आप इस सीट को ले जाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इस सीट को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करना होगा। आप जैसे पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो शीट उठकर कहाँ पे आ जाएगी, आपको यहाँ पर आ जाएगी। मैं इसको कॉपी करा है मैंने शीट वन से और इसको लेकर आया हूँ शीट नंबर थ्री पर। तो इस प्रकार से पेस्ट ऑप्शन का उपयोग किसी भी कॉपी किए हुए डाटाबेस को लाने के लिए किया जाता है। पेस्ट ऑप्शन का उपयोग किसी भी कॉपी किए हुए डाटाबेस को लाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखा आपने कॉपी, कॉपी का काम होता है कि किसी भी डाटाबेस की यदि आपको कॉपी करना हो तो आप इसकी कॉपी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम समझते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कट। ठीक है, ये देखिए कैचिन हुआ एक आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसको हम कट ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। सपोज़ करिए कि ये जो शीट है हमारे इसके अंदर टोटल 15 रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से क्या करना है, कुछ रिकॉर्ड को हटाना है। जैसे यहाँ से मैं 11 से लेके 15 तक के जो रिकॉर्ड है उनको मुझे इससे रिमूव करना है। ठीक है, और रिमूव करने के बाद यदि मुझे और कहीं भी ले जाना है तो ये भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, बट कट क्या करता, परमानेंटली यहाँ से इसको हटा देगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आपको कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, कट किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि कट तो कर ही रहे हैं पर इस डाटा को मुझे और कहीं भी रखना है, यहाँ पर रखना है, तो मैं डायरेक्ट इससे पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो उतना डाटा यहाँ से उठ कर आ जाएगा। ठीक है, बट क्या होता है कि ये जो कट किया हुआ डाटाबेस है ना, वो जो हमारी करेंट शीट है वहाँ से उठकर आता है, वहाँ पर ये डाटाबेस आपको नहीं मिलेगा, बस ये डाटाबेस यहीं आपको मिलेगा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, देखिए कट ऑप्शंस का यूज़ किया होता है कि ये डाटाबेस को परमानेंटली वहाँ से उठाकर दूसरी जगह पेस्ट कर देता है जहाँ पर हमें इसको कराना है। और कॉपी क्या होता है कि कॉपी के अंदर दोनों ही जगह पर डाटाबेस आपका मौजूद होगा, जहाँ से आप शीट पर आपने कॉपी किया और जहाँ पेस्ट किया, दोनों जगह आपका कॉपी किया हुआ डाटाबेस आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से कट और कॉपी का इस्तेमाल हमारी शीट के ऊपर हमारे द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करना है। ठीक है, ये नाम दिए हैं यहाँ पर कुछ बच्चों के,
मैं चाह रहा हूँ कि इन नाम की मुझे लैंग्वेज जो है चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सभी नामों को, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपको लैंग्वेजेस मिल जाएगी, आपको जो भी लैंग्वेज ठीक लगे आप अपने आवश्यकता अनुसार उन लैंग्वेज को यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। मैं शीट को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। ये देखिए, सिलेक्ट किया, और यहाँ से जो भी आपको, ये देखिए अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, और इनको आप यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद ही इन को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे ये एरियल ब्लैक पे क्लिक करना है, तो आपके नंबर पे देखिए ये लैंग्वेज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इस प्रकार से जो भी लैंग्वेज आपको अप्लाई करना है आपके डाटा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर कर बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से हम इसके ऊपर लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सके। हिंदी चाहिए तो हिंदी भी मिल जाएगी इसके अंदर। सभी प्रकार की कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज आपको चेंज करना था, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया है, देखिए ये जो बी नोमा आपको ऑप्शंस मिल रहा है, इसका शॉर्टकट Ctrl+B भी होता है, ठीक है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बोल्ड करना है, ये जो अक्षर दिख रहे हैं आपको अभी ये बहुत छोटे छोटे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये बोल्ड हो जाए। जैसे बी पर क्लिक करेंगे तो इनका साइज़ ज़रा सा बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे भी नंबर जो दिए हुए हैं ये भी छोटे छोटे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी थोड़े बड़े हैं आपको दिखाई दें, तो इनको सबको बोल्ड कर देंगे, तो थोड़ा सा क्या है इनका कलर और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है इटैलिक। इटैलिक का यानी मीन्स होता है टेढ़ा, इटैलिक का मीन्स होता है टेढ़ा। आप इस पर क्लिक करिए तो ये घूम जाएगा, ठीक है, थोड़े से टेढ़े अक्षर हो जाएंगे। अंडरलाइन यू यू के नीचे अंडरलाइन, यदि सभी के नीचे अंडरलाइन आपको देना है, आप क्लिक करोगे तो सभी के नीचे लाइन खिंच जाएगी, और इसको अंडरलाइन के हम नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके नीचे भी यदि और भी ऑप्शंस की आवश्यकता हो, तो यहाँ से अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन भी दे रखी हुई है, आप यहाँ से इनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अक्षर साइज़, आपको यदि इनका साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से आप इस साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ आ चुके हैं ये, ठीक है। इस टाइप से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, साइज़ बढ़ा लिया हमने, ठीक है। साइज़ बढ़ाने के बाद नीचे यहाँ पर दिया हुआ है टेबल ऑप्शन से दिया हुआ है, एक वीडियो के अंदर मैं पूरा टेबल आपको बताऊंगा, पर बाकी अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि टेबल पर कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी रिकॉर्ड्स हमें चाहिए उनको टेबल के अंदर यदि आपको रखना है, तो आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये रिकॉर्ड है, अभी सभी टेबल के अंदर है, मुझे इतने टेबल और चाहिए, तो यहाँ से आप ऑल टेबल पर क्लिक करिए, ये आपकी टेबल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम टेबल को भी हमारे रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस रिकॉर्ड के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कलर करना है, तो कलर कैसे करेंगे, मैं चाह रहा हूँ इतनी शीट के ऊपर मुझे कलर अप्लाई करना हो, तो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमें उस कलर के ऊपर जाना है जहाँ पर आपको कलर देना है। तो देखिए यहाँ पर कलर बहुत सारे दिए हुए हैं, आप किसी भी कलर को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं एक कलर अप्लाई करके दिखा दिया। इस प्रकार से क्या होता है कि हम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अक्षरों के ऊपर ये कलर देना है तो उसके साइड वाला जो कलर है वो आप दोगे, यहाँ से कलर दे सकते हैं, ये कलर दे दिया, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर साइज़ के माध्यम से बड़ा बढ़ाना है, छोटा नहीं करना है, तो हम मैं यहाँ से भी माइनस, ये जो छोटा ए दिख रहा है इससे क्लिक करेंगे छोटे हो जाएंगे, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइज़ यहाँ पर बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो फॉन्ट ऑप्शंस हैं, ये 2003 यदि आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आपको देख रहा है एक सिंबल से, यहाँ शॉर्टकट सिंबल दिया हुआ है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2003 के अंदर जो विंडोज़ हमें दिखाई देती है, जो डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, वो इस टाइप से आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आप इसके अंदर से भी वैसे ही वर्क कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपको सिखाया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको पूरा चलाना सिखाऊंगा कि इसको कैसे हम एमएस एक्सेल पर अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ। वीडियो कैसे लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
और किसी प्रकार की कोई गलती हो तो या फिर कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।